अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं बनाने वाली हूँ ढाबा स्टाइल चिकन डबल एग का। जैसे कि मैंने अभी ढाबे पे गई थी तो चिकन डबल एग का की रेसिपी मैंने मंगाई थी और खाई थी, तो मुझे वो स्टार्टर बहुत ही अच्छा लगा, तो इसीलिए मैंने सोची क्या वो मैं आप लोगों के साथ मैं शेयर करूँ। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। तो इधर पे मैंने 1 किलो चिकन ली हूँ। चिकन को मैंने अच्छी तरह से साफ़ करके अच्छी तरह से धो ली हूँ। धोने के बाद मैं इसे छन्नी में रख के इसका पूरा पानी मैंने निकाल ली हूँ। तो सबसे पहले हम इसका मसाला रेडी कर लेते हैं। तो इधर पे मैं 1 किलो चिकन के लिए 2 अंडे ले रही हूँ। अभी इसके अंदर हम डाल देंगे अदरक लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट। इसमें थोड़ा सा हरा धनिया भी मैंने डाली हूँ। हरा धनिया थोड़ा हमें ज़्यादा डालना है। तो जैसे कि मैंने कितना चम्मच ली, 5 चम्मच भर के मैंने ली हूँ। पीसने के समय हमें पानी का इस्तेमाल कम करना है ना। अदरक लहसुन हरी मिर्च और कोतमीर का पेस्ट। अभी डालेंगे 1 नींबू का रस। अभी हम इसके अंदर डालेंगे नमक। नमक अपने टेस्ट के हिसाब से आप डालिए। मैं जैसे कि आधे चम्मच से भी कम यूज़ कर रही हूँ। अभी इसमें डालेंगे 2 चम्मच मैदे का आटा। 2 चम्मच भर के डालेंगे हम। 2 चम्मच कॉर्नफ्लैन डालेंगे हम, यानी मकई का आटा। कॉर्नफ्लैन मकई का आटा ही होता है। तो चलिए अभी इसमें डालूंगी मैं ये वाइट पेपर पाउडर। तो मैं ये डालूंगी, 1/2 चम्मच डालूंगी, ज़्यादा नहीं। तो मैं आज आराम से आपको बोल रही हूँ कि आप लोगों की समझ में भी आ जाए। और ये वाली रेसिपी जो है मैं फर्स्ट टाइम ही बना रही हूँ। इसमें डालेंगे हम हल्का सा फूड कलर। अगर आप फूड कलर नहीं डालना चाहते तो स्किप कर सकते हैं। थोड़ा सा हरा धनिया ज़्यादा डाल देना तो कलर थोड़ा ग्रीन आ जाएगा। और फूड कलर डालने से भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, मगर कुछ लोगों को फूड कलर नहीं पसंद है ना आसिफ। हाँ। तो ऑप्शनल है। बरोबर है ना। अभी ये सब डालने के बाद में हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। एकदम अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है, सारे मसाले एक हो जाए। उसके बाद में ही हम इसमें चिकन मिक्स करेंगे। अरे मैं तो भूल गई थी, इसमें हमें डालना है ये ब्रेड क्रम्स डालना है। तो ये मैं डाल रही हूँ, 3 से 4 चम्मच आप भर के इसमें डालिए ब्रेड क्रम्स। ब्रेड क्रम्स हाँ, पहले भूल गई थी मैं, इसलिए मैंने बाद में डाल दी। अभी इसे मिक्स कर देंगे हम अच्छी तरह से। ये क्यों डाला जाता है, क्योंकि थोड़ा फ्राई करने में थोड़े हमारा चिकन है जैसे कड़क हो जाएगा तो अच्छा लगता है। तो ये मिक्स हो गया। अभी हम इसमें सारा चिकन डाल देंगे और एकदम अच्छी तरह से इसे मिक्स करेंगे। इतनी अच्छी तरह से हमें मिक्स कर लेना है कि चिकन और मसाले एकदम एक हो जाने चाहिए, जैसे कि चिकन में मसाले अच्छी तरह से लग जाने चाहिए। आप लोगों को मेरी बात समझ में आई, बराबर आती बराबर एकदम बराबर। हाँ, तो चलिए अभी हम इसे उठा के 1 घंटे के लिए फ्रिज में रख सकते हैं, या 1/2 घंटे के लिए भी आप रख सकते हैं मैरिनेट के लिए। बराबर। तो इधर पे मैं हाथ वगैरह पोछ लेती हूँ, थोड़ा सा किचन को मैं साफ कर लेती हूँ। जैसे कि किचन पे थोड़ा बहुत सामान रखा हुआ है। तो आज मैंने दोपहर में बनाई हूँ भेल भाल की भाजी और चावल, और रोटी बना लूँगी मैं। तो पहले मैंने रोटी बना ली, ये सब मेरा बना के एक साइड में रख लूँगी, उसके बाद में ही मैं चिकन बनाना स्टार्ट करूँगी। तो रोटी बना के मैं डब्बे में रख लेती हूँ, और एक लास्ट की रोटी जो बच जाती है तो उसके साथ में मैं घी लगा के और थोड़ा सा शक्कर डाल के मैं उसे खा लेती हूँ। जैसे कि आप लोगों को पसंद है, मैंने कई बार बोल चुकी हूँ कि मुझे घी खाना बहुत ही पसंद है, असली घी। हाँ, देसी घी। तो मैं घी की बहुत शौकीन ली हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है घी खाना। मैं ऐसे भी चम्मच से उठाकर भी घी खा लेती हूँ। तो अभी इसके ऊपर मैं थोड़ा सा शक्कर डाल के इस रोटी को मैं फोल्ड करके खाऊंगी। तो आप लोग भी एक बार ज़रूर इस तरह से ट्राई करना रोटी खाना, आपको पता चलेगा कि इसका टेस्ट कितना अच्छा। रेसिपी हो गई। हाँ, तो ये मुझे बहुत अच्छी लगती है ऐसे। तो ये रोटी की जो टोकरी है ये मैं ओवन पर रख दूँगी, और ये घी के डब्बे को पैक करके उसकी जगह पर रख दूँगी। तो ये मैंने रोटी मुँह में पकड़ लिया। तो चलिए अभी मैं अपना दूसरा काम कर लेती हूँ। बीच बीच में पहले खा लेती हूँ, क्या पता आज मुझे थोड़ी भूख भी लग रही थी। तो इधर पे मैंने गैस को ऑन कर दी हूँ, और इसके ऊपर एक कढ़ाई रखी हूँ गर्म होने के लिए। मैंने जो चिकन फ्रिज में रखी थी उसे मैं निकाल लेती हूँ।
अभी मैं ये चिकन को सबसे पहले फ्राई कर लूँगी अच्छी तरह से। और पहले हम तेल गर्म होने के लिए गैस को फास रखेंगे। ये वही तेल है जिसमें मैंने चना लहसुन बनाई थी, है ना। जब तेल अच्छे से गर्म हो जाएगा तो गैस को हम मीडियम पे रखेंगे, एकदम फास्ट पे हमें चिकन नहीं फ्राई करना है। अगर एकदम फास्ट पे करेंगे तो हमारा चिकन ऊपर से पक जाएगा और अंदर से कच्चा रह जाएगा, बराबर आसिफ? बराबर। तो कम से कम 10 मिनट में हमारा चिकन अच्छी तरह से फ्राई हो जाएगा मीडियम गैस पे, क्योंकि हम बाद में इसे मसाले में भी पकाएंगे। जो थोड़ी बहुत कसर इसकी बची रहेगी वो मसाले में कंप्लीट हो जाएगी, बराबर आसिम? बराबर। मैं बराबर बोल रही हूँ ना? हाँ। तो अब ये चिकन तेल में से हम निकाल के एक प्लेट में रख देंगे। ऐसे ही करके हम सारे चिकन फ्राई कर लेंगे। आज मैं थोड़ा रुक रही हूँ, आज मुझे बोलने में थोड़ी तबीयत ठीक नहीं लग रही, आज मेरी तबीयत थोड़ी नरम है। तो एक मैंने इधर पे कढ़ाई रखी हूँ, अभी इसमें डालूंगी अमूल बटर। तो जैसे कि ये छोटी छोटी पैकेट है तो ये मैं 3 पैकेट डाल रही हूँ, है ना। हमारा चिकन तो फ्राई करके हो गया, एक साइड में रख देंगे। अभी इसके अंदर मैं डालूंगी तेल। तो ये जो चम्मच है इससे मैं तेल डाल रही हूँ, यानी 3 से 4 चम्मच मैंने तेल इसके अंदर डाली हूँ। ये चम्मच से नहीं डाली हूँ, छोटे चम्मच से। ये चम्मच से अगर आप डालेंगे तो 2 ही चम्मच डालना, है ना। अभी इसमें डालेंगे काजू। तो ये मैंने 1 कप काजू मैंने डाली हूँ इसमें। थोड़ा काजू का इस्तेमाल ज़्यादा कीजिए तो ज़्यादा अच्छा लगता है। अभी बटर, तेल और काजू अच्छी तरह से इन सबको हम फ्राई कर लेंगे। अभी इसमें डालेंगे बारीक चॉप किया हुआ 1 चम्मच लहसुन, 1 चम्मच अदरक और 1 चम्मच हरी मिर्च। ये सब बारीक बारीक चॉप की हुई हम इसमें डाल देंगे, बराबर? बराबर। अभी हम इसे हल्का सा फ्राई कर लेंगे, ज़्यादा हमें फ्राई नहीं करना है, यानी 2 मिनट हम इसे फ्राई कर लेंगे। इसके बाद में हम इसमें बाकी के सामान डालेंगे। तो अभी ये मैं डाल रही हूँ 3 चम्मच भर के ग्रीन चिल्ली सॉस, है ना। तो ये आप ज़रूर बनाना, ये बहुत ही टेस्टी लगता है। अभी मैं इसमें डालूंगी 1 चम्मच भर के सोया सॉस, आसिफ बीच में बोलता है। अभी इसमें डालूंगी मैं 1/2 चम्मच विनेगर, है ना। अभी इसमें भी मैं थोड़ा सा फूड कलर डालूंगी, ये ग्रीन वाला फूड कलर है, क्योंकि हमारा जो डबल एग का ना ग्रीन में होता है, और ये ढाबे की बहुत फेमस चीज है डबल एग का। ये आपको ऐसा नॉर्मल रेस्टोरेंट में नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी, ढाबों पे ज्यादा मिलती है। अभी ये अच्छे से पक गया, इसमें डालेंगे हम 1/2 चम्मच व्हाइट पेपर पाउडर। अगर आपके पास नहीं है तो आप काली मिर्ची पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी मैं इसमें डाली हूँ 1/2 चम्मच अजीनोमोटो नमक और नॉर्मल नमक। अभी इसमें डालूंगी मैं 1/2 चम्मच शक्कर। आप शक्कर की जगह पे हनी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, 1/2 चम्मच, बराबर? बराबर। अभी इन सबको हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो देखिए कितना बेहतरीन दिख रहा है। अभी इसमें डालेंगे हम 1/2 कप अमूल फ्रेश क्रीम। ये हो गया ना, अभी सोने पे सुहागा, कैसे लग रहा है देखिए एकदम कलर। अब इसमें चिकन वगैरह जाने के बाद में देखना कितना बेहतरीन लगेगा आपको, जब इसके ऊपर चीज़ वगैरह गिरेगा ना तो और मज़ा आ जाएगा। तो ये देखिए मैंने 1/2 कप अमूल फ्रेश क्रीम डालने के बाद में ये सारा चिकन मैं डाल दूँगी। अगर आप दूध की मलाई डालना चाहते हैं तो वो भी फेंट के आप इसमें डाल सकते हैं, है ना। तो नमक विमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालिए। अब ये चिकन डालने के बाद में हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और एकदम स्लो आंच पे इसे 5 मिनट तक हम पका लेंगे, है ना। जो हमारी जो थोड़ी बहुत चिकन की जो कसर रहेगी कच्चेपन की वो निकल जाएगी। अभी ये मैं इसे अमूल चीज़ क्यूब से चीज़ डाल रही हूँ। हाँ, अमूल चीज़ क्यूब से क्यूब डालूंगी, चीज़। हाँ, घिस के डालेंगे, घिस के मैं ऊपर से डाल लूँगी। 5 मिनट बाद में इसे डालना है और इसे ढक देना है और इसे अच्छे से सर्व करके खा लेना है, बराबर? गरम गरम खाना काफ़ी अच्छा लगेगा। हाँ, गरम गरम काफ़ी अच्छा लगता है। तो ये देखिए माशाल्लाह दिख रहा है ना, एकदम ढाबा स्टाइल। आप लोग ज़रूर बताना कौन कौन ये वाली रेसिपी को ढाबे पे खाए हैं, मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, बराबर आते बराबर। तो
तो देखिए कितना मस्त दिख रहा है माशाल्लाह। तो इस तरह की अच्छी अच्छी रेसिपी की वीडियो देखने के लिए मुझे YouTube पे फॉलो करो, लाइक करो, शेयर करो और अच्छी अच्छी कमेंट भेजो। मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना भूलना मत, बराबर, और बेल आइकन को क्लिक करना भूलना मत कि मेरी पहली रेसिपी आप लोगों को देखने मिले। जो रेसिपी डालूँ वो रेसिपी आपको पहला मिल जाए, पहला मिल जाए। तो चलिए अल्लाह हाफिज़। अभी मैं आपको एक पीस खाकर बताती हूँ, इसका टेस्ट आप मेरा चेहरा देखकर ही समझ जाएंगे। तो बहुत ही अच्छी बनी थी, बहुत बहुत अच्छी थी, टेस्टी बनी थी ना सिर्फ, बहुत एकदम ढाबा जैसी लग रही थी। अभी फिर मैं कोई ढाबे की रेसिपी फिर आप लोगों के लिए लेकर आऊँगी इंशाल्लाह ज़रूर। तो एक मैं खा के आपको बताती हूँ, गरम गरम में और चटका लगा, मस्त है, मस्त है, जबरदस्त। टाटा बाय बाय, और आ जाओ आप लोग भी खाने के लिए। अशरफ बाजू में बैठ के देख रहा था। अशरफ देख के ऐसा सा करा जी बात। अल्लाह हाफिज़।